बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। ओपन साइंस बुक पेज नंबर 122। टुडे टॉपिक इज प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। अच्छा, प्रीशियस का क्या मतलब होता है? प्रीशियस आज हम पढ़ेंगे स्टोन्स के बारे में। कुछ स्टोन्स बहुत ज्यादा ही कीमती होते हैं, बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे है टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं अपना। सम स्टोन्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। कुछ स्टोन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो हमें इतने ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं और हमें जो है बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सही। सम स्टोन्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, दे कैन बी कट एंड पॉलिश्ड टू मेक ज्वेलरी। और उन्हें जो है क्या किया जाता है, उन्हें उन स्टोन्स को कट किया जाता है और पॉलिश किया जाता है, उनको फिर पॉलिश करके ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए। आप लोग जाते हैं, अक्सर देखते हैं आपकी मम्मा के साथ कभी आप मार्केट जाते हैं ज्वेलरीज वगैरह लेने के लिए, तो आप देखते हैं ना कुछ नेकलेसेस, कुछ इयररिंग्स में स्टोन्स लगे हुए होते हैं ना, तो वो आपको कितने अच्छे लग रहे होते हैं। उनमें कलरफुल भी स्टोन्स होते हैं, तो वो कोई ऐसे थोड़ी आते हैं, उनको पहले जो है बहुत अच्छे तरीके से कट किया जाता है, उनको शेप में लाया जाता है, फिर उनको अच्छी तरीके से पॉलिश किया जाता है, फिर वो जो है ज्वेलरी में यूज होते हैं। बहुत सारे स्टेप से गुजर के वो हम तक, पेज नंबर 122। तो यहाँ पे बताया गया है इस टॉपिक में, सम स्टोन्स आर कलरफुल, कुछ स्टोन्स बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो। दे कैन बी कट एंड पॉलिश टू मेक ज्वेलरी। उन्हें जो है कट किया जाता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता है और फिर उनको जो हम ज्वेलरी वेयर करते हैं उस ज्वेलरी में उसको यूज किया जाता है। दीज प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन विच मे बी रॉक्स और मिनरल्स आर कॉल्ड जैम स्टोन। अच्छा, जैम स्टोन कहते हैं कीमती पत्थर को कहते हैं। किसे कहते हैं जैम स्टोन? कीमती पत्थर। अच्छा, जैम स्टोन आर हार्ड मिनरल, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड आर वेरी एक्सपेंसिव। जैम स्टोन जो होता है ना, बहुत ज्यादा एक हार्ड मटेरियल होता है, एक हार्ड मिनरल होता है, ठीक है, सही है। उसको जो है यूज किया जाता है ज्वेलरी में, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है एंड और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। दे आर यूज इन मेकिंग, जैम स्टोन आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड आर वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब ये कि उसकी जो है ना कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है, सही है। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड इन टू डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। मैंने आपको बताया था ना कि उनके वेरियस कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। दे आर पॉलिश्ड एंड कट इन टू डिफरेंट साइजेस। अच्छा, इसके जो है जैम स्टोन के जो है वेरियस कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स में होता है ये। और दूसरी चीज, सेकेंड थिंग इज दैट दे आर पॉलिश्ड एंड कट इन टू डिफरेंट साइजेस। उन्हें पॉलिश किया जाता है, फिर उन्हें कट किया जाता है डिफरेंट साइजेस में और फिर उन्हें ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सही है। देयर आर ओनली 4 प्रीशियस जैम स्टोन। अच्छा, खाली जो है 4 बहुत ज्यादा कीमती प्रीशियस जैम स्टोन है। उनके नेम्स, दीज स्टोन्स आर नंबर वन जो है, बहुत ज्यादा जो कीमती स्टोन है ना वो डायमंड होता है। कौन सा स्टोन कीमती होता है बहुत ज्यादा? जैमस्टोन, डायमंड। अच्छा, इसकी वैल्यू भी जो होती है ना बहुत ज्यादा प्रीशियस, इसकी जो ना वैल्यू बहुत ज्यादा होती है जैम, इसकी डायमंड की। अच्छा, और दूसरा हमारा है, डायमंड के बाद हमारा है दूसरा जैम, प्रीशियस जैम स्टोन सफायर्स। सफायर्स बोले मेरे साथ आप लोग भी, सफायर्स, वेरी गुड। अच्छा, जैम स्टोन जो ये मैं बता रही हूँ ना आपको प्रीशियस जैम स्टोन के बारे में, इसमें जो डायमंड होता है ना, डायमंड जो है ज्यादा जो है व्हाइट कलर में ही होता है। डायमंड का जो कलर होता है ना बेसिकली वो व्हाइट ही होता है। आपने देखा है ना डायमंड्स की रिंग वगैरह होती है, अक्सर हम टीवी वगैरह में भी, मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, डायमंड्स देखते हैं ना आप लोग, तो डायमंड का कलर कौन सा होता है? वो व्हाइट होता है, ठीक है, सही है।
और आपकी बुक में भी, और आपकी बुक में भी डायमंड का कलर देखिए व्हाइट ही है, ठीक है, सही है। डायमंड जो है बहुत ज्यादा जो है, इट इज वैल्यूड एज अ, इट इज वैल्यूड एज अ प्रीशियस जैम स्टोन। इट डायमंड जो है बहुत ज्यादा कीमती पत्थर कहा जाता है उसको। इसके बाद है सफायर। सफायर का जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर का होता है सफायर, ये भी बहुत ज्यादा जो है प्रीशियस जो है जैम स्टोन है, सही। इसका कलर जो है ना वो ब्लू कलर है, ठीक है, सही। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, रूबीज। रूबीज का जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर, वो सॉरी रेड कलर का होता है, ये भी बड़ा प्रीशियस होता है। सफायर का कलर ब्लू होता है, रूबीज का कलर रेड होता है, और रूबीज को उर्दू में कहते हैं याकूत कहते हैं। क्या कहते हैं रूबीज को उर्दू में? याकूत कहते हैं। अच्छा मुझे बताए जरा डायमंड का कौन सा कलर होता है? डायमंड का कौन सा कलर होता है? डायमंड का व्हाइट। वेरी गुड, व्हाइट। सफायर का कौन सा कलर होता है? रूबीज का कलर कौन सा होता है? रूबीज का कलर वेरी गुड, रेड। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट फोर्थ जो है प्रीशियस जैम स्टोन की तरफ आ जाते हैं हम। एमरल्ड्स, पेज नंबर, एमरल्ड्स का कलर जो होता है ना वो ग्रीन होता है। आप देख रही हैं, मैं समझा रही हूँ। आप कंटिन्यूसली शहर बानो, मिस पेज नंबर, मिस पेज नंबर, ये कौन सा तरीका है आपका? हाँ बताएं जरा मुझे आप, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी मुझे नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ाऊँ। एक तो आप 200 की क्लास में एडमिट हो रही हैं, बुक में आपको शो कर रही हूँ कि बुक दिखा रही हूँ, साइंस की बुक है, क्यों करके शो कर रही हूँ कि समझ जाए इस तरह की मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी बदतमीजी आप कर रहे हैं। अच्छा इसका कलर कौन सा होता है? इसका ग्रीन कलर होता है। सफायर, रूबीज, डायमंड्स एंड एमरल्ड्स आर प्रीशियस स्टोन। मैं अभी मैंने क्लास लिए, मेरी बहन की क्लास, मुझे नहीं मालूम, ये मेरा मसला नहीं है, ठीक है, ये मेरा मसला नहीं है। आपकी बहन क्लास दे रही है, आप ले रही हैं। आप जब क्लास में एडमिट होती है ना, आज मेरी बात ध्यान से सुन लें, आप खामोशी से मेरा लेक्चर सुना करें। जब मैं पढ़ा रही हूँ मुझसे मत पूछा करें मिस बुक कौन सी, पेज नंबर कौन सी। जब मैं आपको इशारे से बुक यू शो कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? साइंस की बुक है ना ये, कोई और बुक है ये? साइंस की बुक है ना ये? उसके बाद मैं आपको यू पेज शो कर रही हूँ तो आपको नजर नहीं आ रहा ये प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस रॉक स्टोन्स पढ़ा रही हूँ मैं, आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग जा रही है। अच्छा है मैडम देखें और आप लोगों की चीजें नोट करें मैडम, फिर जिस दिन आप आएंगी ना कॉपी चेक कराने उस दिन मैं आपको मैडम के सामने लेके जाऊंगी। एक तो आप टाइम से बाहर एडमिट होती है क्लास में, जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं उनका भी टेम्पो आपने खत्म कर दिया पढ़ने का। हम क्या क्या किसको डिस्कस कर रहे थे? प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बारे में। कुछ स्टोन्स जो है बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और एट्रैक्टिव होते हैं। पेज नंबर ओपन करें, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। 122, पेज नंबर 122 शहरबानो बुक का पेज नंबर 122 ओपन करें। अब अच्छा मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर रही थी, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज नंबर 122 Precious and semi-precious stone. Some stones are colorful and attractive. They can be cut and polished to make jewelry. These precious and semi-precious stone, which may be rocks or minerals, are also called gemstone. Gemstone कहते हैं कि पत्थर को कहते हैं। There are only four precious gemstones. These stones are sapphires, rubies, amulets, and diamonds. Sapphire का color blue होता है, रूबीज का कलर रेड होता है, एमरल्ड्स का कलर होता है ग्रीन, और डायमंड जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, सही है, सही है। जैम स्टोन जो होते हैं वो बड़े हार्ड मिनरल्स के होते हैं, ठीक है, सही है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, वो जो है ज्वेलरी मेकिंग में यूज होते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, उनके वेरियस कलर्स होते हैं, ठीक है। दे आर पॉलिश एंड कट इन टू डिफरेंट साइजेस एंड शेप, उन्हें कट किया जाता है डिफरेंट साइजेस में और उन्हें डिफरेंट शेप में कट किया जाता है, फिर जो है ज्वेलरी में उन्हें यूज के लिए लाया जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट, ओपन नेक्स्ट पेज नंबर 123, पेज नंबर 123।
Here are some examples of semi-precious stone. आपके सामने कुछ examples हैं semi-precious stones की. हमने अभी पीछे जो हमने हमने next पर जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो हमने पढ़ा था precious stone के बारे में. जो precious होते हैं ना बहुत ज्यादा कीमती होते हैं. ये भी precious है मगर ये semi-precious है. ठीक है. Okay. Every other gemstone is classified as semi-precious. These stones are main ke names call karungi. Aapne bhi mere saath saath repeat karna hai. Okay. Okay. These stone are number one, garnet. Number one, garnet. Garnet. Good. Garnet. Two, garnet nahi, garnet. 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 Next, tourmaline. 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 Yeah. Opal. 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 Next, aquamarine. 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 Next, amethyst. Amethyst. ये इस स्टोन को कहते हैं नीलम कहते हैं. इस स्टोन का नाम है नीलम. इसे उर्दू में नीलम कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टोपज. उसके बाद है पेरीडॉट. पेरीडॉट. नेक्स्ट है लैपिस लजुली. लैपिस लजुली. नेक्स्ट आ जाए टर्कवाइज. ये सब स्टोन्स उन स्टोन्स के नेम्स हैं जो सेमी प्रीशियस हैं. ठीक है. हमारे जो प्रीशियस स्टोन हैं वो प्रीशियस स्टोन कौन से हैं बताएं. रुकैया मुझे नंबर वन प्रीशियस स्टोन्स के नेम. नंबर वन गार्नेट. नो. प्रीशियस स्टोन जो बहुत ज्यादा कीमती हैं सफायर रूबी एमरल्ड एंड डायमंड्स. ये चार स्टोन्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं. एवरी अदर जैम स्टोन इज क्लासिफाइड एज सेमी प्रीशियस. ठीक है. उनके नेम्स ये हैं. दीज स्टोन्स आर नंबर वन गार्नेट मैथिस्ट टोपस टूरमलाइन एक्वामरीन पेरीडॉट ओपल लैपिस लजुली टर्कोइस. ठीक है. अब हम अपनी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हम इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे. आप कॉपी ओपन करें सब बच्चे. ठीक है. अब टीचर लिखेंगी क्वेश्चन. आपको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है क्लियर. अच्छा हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा वाला किया था. हमारे कितने क्वेश्चन हो गए रुकैया. 25 है जी. न्यू पेज स्टोन पे स्टार्ट करें. ये सही है ना. पेज नेम एनी टू प्रीशियस स्टोन. आपने एनी टू प्रीशियस स्टोन के नेम लिखने हैं. ये आप लोग खुद करेंगे. ठीक है. सवाल आपका इसका आंसर खुद करेंगे सब बच्चे. ठीक है. लिखो लिखो जल्दी लिखो. टीचर आती है अभी. अरे कुछ लड़की के बारे में क्वेश्चन लिखता नहीं. क्वेश्चन टीचर आपकी तस्वीर नहीं आ रही. ओके. मेरी तस्वीर नहीं आ रही तो मैं कैसे आऊंगी जब बोर्ड पे काम कराऊंगी तो. ठीक है. अब नजर आ रहा है बोर्ड आप लोगों को. Name any two precious stone. Question number 7. Name any five semi-precious stone. Start writing. आप खुद इसका आंसर लिखेंगे. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बता दिए हैं नेम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से. इसलिए आपने अब इन दोनों क्वेश्चंस को खुद करना है सॉल्व. ठीक है.
Name any two precious stone. Name any five precious stone. U.S. सेमी प्रीशियस स्टोन के नेम लिखने हैं यहाँ पे. यहाँ पे आपको टू प्रीशियस स्टोन्स के नेम स्टोन लिखो. एस टी ओ लिखो ना. ओ मैं बोल रही हूँ तो एन